If the number of images between two plane mirror is 9, plane mirror is 9, then what will be the angle? What will be the angle between the mirrors? एंड आपके पास जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए आपके पास में है 36 डिग्री, ऑप्शन बी आपके पास में है 70 डिग्री, ऑप्शन सी आपके पास में है 90 डिग्री, एंड ऑप्शन डी जो है वो आप लीजिए बेटा 10 डिग्री। ऑप्शन ए, सर तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यस, हाउ यू कैलकुलेटेड? देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा बेटा कि या तो ऑड नंबर होगा, तो ऑड नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कितना आएगा बेटा, 36 डिग्री आएगा। यस और नो? यस सर। यस। इसके साथ में बेटा देखो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइन ऐड कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 9, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस एग्जैक्ट कितनी होगी आपके पास? ओके, तो यहाँ पर देखो एंगल बाइसेक्टर पर हम रखेंगे, पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको। हम थीटा हम चेक करेंगे बेटा, तो हमारे पास कितना होगा, 360/9। तो यहां से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी बेटा? एक तो 40 डिग्री 40, है ना, एक 40 तो डिग्री 40, एक तो है ना। 46। हाँ, लेकिन 40 डिग्री हमारे पास ऑप्शन में नहीं है बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी वो कितनी होगी बेटा, 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10, एंड बाय डिवाइडिंग 360/10 वी आर गेटिंग 36 डिग्री। सो द आंसर विल बी 36। यस और नो बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट द स्फेरिकल मिरर। तो जब हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी होलो स्फीयर ऑफ ग्लास को हम इस तरह से कट करेंगे तो हमें दो शेप मिलेगी, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। होलो स्फीयर ऑफ ग्लास को जब हम कट करेंगे बेटा, कट करने के बाद में क्या होगा, अगर हम इनर साइड से उसको पेंट करेंगे देन आउटर सरफेस विल वर्क एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस और नो बेटा? रिफ्लेक्टिंग यस सर। सरफेस। एंड इफ आई पॉलिश आउटर सरफेस लाइक दिस देन द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर विल वर्क एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस और नो? यस सर। यस। व्हेन द सरफेस विच इज बल्जिंग आउट वर्क्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स मिरर। एंड इफ द इनर सरफेस ऑफ द होलोस्फीयर वर्क एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। यस और नो बेटा? समझ आया? देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारे पास में इनर सरफेस, किसी भी मिरर के लिए हम बात करें तो इनर सरफेस अगर एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क कर रही है बेटा तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉनकेव मिरर। एंड अगर आउटर सरफेस अगर वर्क कर रही है तो इसका मतलब उसे क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। हाउ यू डिफाइन द स्फेरिकल मिरर? सेट द डेफिनेशन स्फीयर बॉल। ओके, सो नोट इट डाउन, अभी नोट करना ठीक है। अ मिरर, में सर्कल ड्रॉ करना है क्या? हाँ बेटा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस
रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलोस्फियर ऑफ ग्लास, यस और नो? अ मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फियर ऑफ ग्लास, यहाँ पे स्फीयर भी वर्ड होगा बेटा, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज नोन एज और इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, यस और नो बेटा? स्फेरिकल मिरर, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉनवेक्स मिरर, यस और नो बेटा? देर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, एंड व्हाट आर द टर्म्स? लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट and understand the what are the terms, then we will write them. Okay, now first reflect is tarah se ye kya hai beta, ek holosphere of glass hai, theek hai? What is the holosphere of glass? jab hum isme se humne kya kya beta, ek mirror humne cut kiya, jaise main agar yahan se isko cut kar deta hu is tarah se na, dekhiye, theek hai? yahan se humne isko cut kar diya and iski jo आउटर सरफेस है बेटा उसको हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है? तो पेंट हमने किया, उसको हमने क्या किया बेटा, पेंट कर दिया, सिल्वर्ड हमने कर दिया। तो सिल्वर्ड जब हम इसको करेंगे तो ऐसा होगा, देखो यस और नो, एंड दिस विल बिहेव एज अ concave mirror and the line which is passed through the center of curvature to the center zaruri hai, but yahan par kya hoga beta, ek line hogi which is passing through the center of curvature, also passing through the middle of the mirror, yes or no? hai na? and this point is known as the pole of the mirror, pole of the mirror. How we can define the central point of the mirror or midpoint of the mirror is called pole of the mirror. Yes or no, beta? Yes, sir. And the next term is, and this is the pole of the mirror, and here it is the center of the sphere from which the spherical mirror is formed or made is called, this is called center of curvature, and there is another term which is related to the mirror here, it is the arc, yes or no? And arc is the distance between the pole and the center of curvature, yes or no? Pole and the center of curvature, or we can say it is called radius of curvature. Curvature, and how we can define the radius of curvature? That the radius of a sphere of glass from which the spherical mirror is formed is called radius of curvature. Yes or no, beta? Yes. Yes. And here is the midpoint of the, which is called
एफ, यस और नो, एन एफ इज नोन एज फोकस, प्रिंसिपल एफ फोकस। प्रिंसिपल फोकस, और वी कैन कॉल इट फोकस. एंड हाउ वी डिफाइन द फोकस, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाफ ऑफ द रेडियस. तो फोकस हमारे पास में क्या होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका मिड पॉइंट होगा, बट उसको क्या बोला जाएगा, फोकस बोला जाएगा. बट इन टर्म्स ऑफ द लाइट वी विल डिफाइन द फोकस इन डिफरेंट वे एंड वी विल नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दैट. एंड हियर दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द मिरर, दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द मिरर, यस और नो, दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द मिरर विच इज मार्क बाय द ग्रीन लाइन्स एंड दिस इज नोन एज द अपर्चर, यस और नो बेटा, दिस इज नोन एज द अपर्चर. एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो, एम आई ऑडिबल बेटा, यस और नो बोलो ना, आप कैमराज भी सब लोगों ने बंद किए हुए हैं. Okay, first point is pole, and pole is the center point of the mirror. And the second point is center of curvature. Center of curvature means to say the center of the hollow sphere of the glass from which the spherical mirror is formed is called the center of curvature. And the third point is radius of curvature. And radius of curvature means to say the radius of the sphere from spherical mirror is formed is called radius of curvature. And the fourth one is aperture. The actual size of the mirror is called the aperture, or the diameter of the reflecting surface of the mirror is called aperture. Both are correct. And the fifth one is focus. And focus is the point. Focus is a point which is exactly between the pole and the center of curvature. Later on, we define the focus point. Principal focus is that point where the reflected rays of light, which are parallel to principal axis, and after the reflection, they coincide at a point, and that point is called principal focus. Yes or no, beta? Yes. And the next one is focal length. Focal length is the distance between the principal focus and the pole. Yes. And the plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. Yes or no, beta? Yes. Yes. And the next definition is principal axis. And principal, how you define the principal axis? How you define the principal axis? The line joining the center of the curvature and focus of the mirror and the pole of the mirror is called principal axis. Okay, you can take the definition like the line joining the center of curvature and pole is also called the principal axis. Yes or no? Yes or no, beta? Yes, sir. Sir, yes. Focal इनकी जो length होगी sir वो कितने भी हो सकती है ना? Yeah, beta. Focal length की जो length है वो कितनी भी हो सकती है, infinite. Because plane surface beta imaginary है, वो कितना भी लंबा हो सकता है. Upward and downward दोनों में कितने भी length में जा सकते हैं. Okay? तो one by one आप लिखना start कीजिए beta. तो फर्स्ट टर्म इज ओके फर्स्ट टर्म इज पोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. एंड हाउ वी डिफाइन इट, डिफाइन द पोल ऑफ द मिरर, द
सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. एंड हाउ वी कैन डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द होलोस्फियर from which the spherical mirror is formed is called center of curvature and it is represented by yes or no beta? Yes. Okay, now the third point, radius of curvature, which is represented by capital R. And how we define it? The radius of the sphere from which the spherical mirror is formed is called radius of curvature and it is represented by R. Yes or no, beta? The next one is principal axis. Principal axis. And how you define the principal axis? The line joining pole and center of curvature is called principal axis. Yes or no, beta? Yes, and the next point is, next term is aperture. The actual size of the mirror is called the aperture. Yes or no?
चलिए यहाँ पर वो डेफिनेशन पर नोट डाउन कर लेते हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट द डायमीटर डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द अपर्चर। कॉल्ड अपर्चर एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज विच इज सिक्स इज फोकस, फोकस और वी कैन कॉल इट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एंड हाउ वी डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस वी डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। ओके एंड फॉर द कॉन्केव मिरर हियर for the concave mirror and the next one is for the convex mirror. For the convex mirror. Okay. Now for the convex mirror, what we have concave mirror. Concave mirror के लिए क्या होगा बेटा? If parallel beam of light, if a parallel beam of light which is parallel to principal axis, parallel to principal axis after the reflection the rays of light converges at a point which is called principal focus of concave mirror. Yes or no, beta? Principal focus of the concave mirror. See the diagram. Let's see the diagram. Okay. देखिए बेटा यहां पर क्या होगा कि सपोज हमारे पास में ये क्या बेटा कोई भी कॉन्केव मिरर इस तरह से। ओके नाउ फोकस हमारे पास में कौन सा पॉइंट होगा बेटा कि जो भी रेज हमारे पास होंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज होंगी बेटा रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे विल कन्वर्ज एट अ फिक्स पॉइंट। यस आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज विल कन्वर्ज एट अ फिक्स पॉइंट and that is called principal focus. Yes or no, beta? Yes or no? Yes, sir. Yes. And for the convex mirror, what we have, if a parallel beam of light, parallel. Sir, वो diagram draw करना. हाँ, बेटा diagram draw करना. If a parallel beam of light which is parallel to principal axis and after the reflection the rays of light appears to diverge
appears to diverge from a point which is called principal focus of convex mirror. अब देखिए इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा. देखिए यहां से क्या होगा, सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर विच इज पेंटेड इनसाइड एंड आउटर सरफेस ऑफ द मिरर वर्क एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज दिस इज द पैरेलल रेज. ओके एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट After the reflection, the rays of light appears to diverge from a fixed point. Okay, देखिए क्या होगा बेटा, जब ये रेज क्या करेंगे बेटा, रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे देखो. यस और नो बेटा? यस सर. ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ना, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो देखो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पर इस पोर्शन पर ये कभी रेज आपस में कभी भी कन्वर्ज नहीं होंगी. बट हम इनको क्या करते हैं, जब बैकवर्ड में एक्सटेंड करते हैं, तो जब हम इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे कुछ होगा बेटा. Yes or no? Huh. And these rays will meet at a fixed point. And we can say that these rays are diverging from a fixed point, and that point is called principal focus convex of convex mirror. Convex mirror. And यहाँ पर बेटा एक चीज और है कि देखो, in for the concave mirror, the rays of light are converging actually. So this is also called the real focus and the focus of the convex mirror is inside the mirror, so it is also called the virtual focus. Yes or no beta? Yes sir. Focus. Samajh mein aaya beta? Okay. So the next one is focal length. So the seventh term is focal length, which is represented by small f. And how you define the focal length? Focal length is the distance between pole and the focus is called focal length. Okay, so देखिए focal length के हमारे पास में क्या होगा बेटा, for the concave mirror अगर हम बात करें तो concave mirror के लिए हमारे पास में जो focal length होगी बेटा वो कहाँ पर होगी. देखो ये pole हमारे पास होगा या f होगा, तो ये वाली जो length होती है बेटा इसे क्या बोला जाता है, focal length बोला जाता है. क्योंकि हमारे पास में देखो जो पोल जो फोकस है बेटा वो कैसा फोकस होता है, रियल फोकस होता है. यस और नो? रियल फोकस होता है. तो यहाँ पर देखो हमने एक साइन कन्वेंशन हमारे पास होता है कि ऑल द डिस्टेंसेस जो हम मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं बेटा, फ्रॉम पोल से हम मेजर करते हैं, है ना. तो इंसिडेंट रेज जो कि डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में जो भी रेज हमारे पास होंगी, जो डिस्टेंसेज होगी वो बेटा पॉजिटिव होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होगी वो नेगेटिव होगी. मतलब पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस होगी वो कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी. तो मींस टू से हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा, नेगेटिव. दैट विल बी नेगेटिव. एंड जैसे मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी बताइए. पॉजिटिव. व्हाई? वो क्योंकि वो राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में है और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है. देखिए है ना, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव, यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यहाँ से जो भी रेज होगी बेटा वो ऐसे जाएगी, तो यहाँ से जो भी रेज जाएगी डायरेक्शन की, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइट है. और जो फोकल लेंथ आप मेजर करोगे वो भी देखो, मूव करने के लिए मेजर करने के लिए पोल से मेजर करोगे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप मूव कर रहे हो. दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव होगा. यस और नो?
यस, तो आपको जैसे मैं बोलूं कि फोकल लेंथ ऑफ द, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। एंड इसके साथ में एक और चीज हमारे पास आती है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो पता है बेटा? यस, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर एंड द रेडियस का रिलेशन क्या होता है बेटा? आर इज इक्वल टू टू एफ, और वी कैन से एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, हाफ ऑफ आर, हाफ ऑफ आर बाई टू, है ना। सो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ बेटा, इफ द रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, sphere from which radius of a sphere is 40 centimeter, from which two mirror, one is concave and one is convex is formed, then focal length of both mirror will be. तो क्या होगी बेटा बताइए? देखो, फॉर कॉनकेव मिरर अगर हम बात करें, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा बेटा? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। सो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगी बेटा बताइए? एफ इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई टू, यस और नो? तो एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन ये 20 सेंटीमीटर बेटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताइए? नेगेटिव, नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ हम लिखेंगे बेटा, तो क्या होगी? माइनस 20 सेंटीमीटर, यस बेटा। एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगर हम लिखेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही फोकल लेंथ सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा बताइए? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं रहेगा 20 सेंटीमीटर ही बेटा, बट वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ओके, हियर वी हैव टू मेंशन द पॉजिटिव साइन फॉर द फोकल लेंथ। ओके, नोट इट डाउन फर्स्ट, देन वी विल मूव ऑन। द नेक्स्ट टर्म इज फोकल प्लेन। अच्छा, इसको डिफाइन कर, हम लास्ट क्लास में डिफाइन कर चुके थे बेटा, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, to the principal axis is called focal plane। okay, चलिए बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम जो है इमेज फॉर्मेशन रूल्स, हम स्टार्ट द इमेज फॉर्मेशन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर। ओके, देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, कुछ रूल्स होंगे जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे फॉर द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट रूल हमारे पास में क्या कहता है, दैट अ रे ऑफ लाइट parallel to principal axis passes
आर अपियर्स टू पास, चलिए यहाँ पर दोनों मेंशन हम कर लेते हैं इसको मेंशन। अच्छा चलिए एक बार देखिए यहाँ पर क्या होगा। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर, प्रिंसिपल एक्सिस पासेस एक्चुअली, पासेस एक्चुअली फॉर द, एक्चुअली पास किस पे करेगी बेटा, फॉर द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड अपीयर्स टू पास, अपीयर्स टू पास फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस एक्चुअली और अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यस और नो बेटा। लेट्स सी द डायग्राम, सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस देन फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हाट हैपन, इट विल एक्चुअली पास थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यस और नो। एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, देन इट विल रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम बट इट विल नॉट एक्चुअली पास थ्रू द फोकस एट द लेफ्ट साइड, सो व्हेन वी इंक्रीज इन बैकवर्ड देन इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, यस और नो बेटा। इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, नॉट एक्चुअली पासिंग थ्रू द फोकस, सो दिस इज द रूल, व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द फोकस, ओके। एंड द सेकेंड रूल इज, सेकेंड रूल सेज अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड अपीयर्स टू 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 गोइंग टू द फोकस, फोकस गोइंग टू द फोकस मतलब फोकस की तरफ अगर वो मूव कर रही है बेटा तो वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर विल बिकम, ये सिंपल हम इसको भी लिख सकते हैं, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ओके बेटा। सो द सी द डायग्राम for the concave mirror what we have, suppose this is the principal axis and ray of light which is passing through the focus, passing through the focus means to say a ray of light which is passing through the focus like this, then after the reflection it will become parallel to principal axis, yes or no beta, passing through the focus and after the reflection it will become parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो बेटा। यस हाँ बेटा बोलिए सर, लेकिन नॉर्मली वो ऐसे पैरेलल रहता है फिर वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो फोकस पे, बेटा इमेज फॉर्मेशन रूल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट केस में तो क्या था कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है, तो
तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो रही है, इसी का जस्ट रिवर्स हमारे पास क्या होगा इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर फोकस पर कोई रे पास हो रही है बेटा तो वो अगर मिरर से कोलाइड कर रही है देन आफ्टर वो इससे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो कैसी हो जाएगी उसकी नेचर, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द जस्ट रिवर्स केस ऑफ द फर्स्ट रूल। ओके एंड सच्ची में हाँ सच्ची में होगा बेटा, ऐसा होता है ऐसा जब हम पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसा प्रूव प्रूवन नहीं है ना। देखिए देन यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये हमारे पास में क्या होगा बेटा फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से देखिए अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो फोकस की तरफ ऐसे जा रही है, ध्यान से देखिएगा ना फोकस की तरफ ऐसे जा रही है बेटा, तो क्या ये फोकस पे जा पाएगी क्या बेटा, यस और नो, फोकस पे जाएगी फोकस पे नहीं जा पाएगी ना बेटा, मिरर क्या करेगा, मिरर क्या करेगा बेटा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो रिफ्लेक्ट कर देगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज जस्ट अपोजिट केस ऑफ द फर्स्ट रूल। ओके नोट इट डाउन फर्स्ट, एंड द थर्ड रूल ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इज, थर्ड रूल सेज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट A ray of light incident through the center of curvature, देखो अब बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास हो सकती है क्या बेटा? फॉर द कॉनकेव मिरर है ना, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो हमारे पास में गोइंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोइंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स टू से किसके लिए होगा बताइए? हाँ वो एक्चुअली पास नहीं होगा, वो सिर्फ ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, बट जाने से पहले क्या हो जाएगा बेटा उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर going to the center of curvature will fall normally on the mirror and we know when a ray of light falls normally on the mirror then it retraces its path, yes or no, and reflects back on the same path, yes or no beta, same path, or we can say it retraces its path, yes or no beta। देखिए यहां पर क्या होगा, suppose this is the concave mirror and this is the focus and this is center of curvature, and if a ray of light passing through the incident through the center of curvature se koi bhi ray of light beta aise pass hogi, dhyan se dekhna, ye agar ray of light pass hogi beta to it will fall normally on the mirror, to ye mirror ke sath mein kaun sa angle form karegi beta, kitna angle form karegi bataiye aditi? sir 90 degree mirror ke sath 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जीरो डिग्री होगा बेटा। तो देखो जिस एंगल पे ये फॉल होगी उसी एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, तो इसी बात को रिट्रेस कर रही है बेटा, देखो यस और नो, यस एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर this is the F and this is C. If a ray of light is moving towards the center of curvature, but देखो center of curvature पर कभी move कर पाएगी क्या बताओ मुझे? Yes or no बेटा? Center of curvature पर पहुंच पाएगी क्या वो? उसी के पहले वो क्या हो जाएगी बेटा?
रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। यस और नो बेटा? यस और नो? Yes, sir. Yes. Okay. And the most important rule, which I have already told you, that we require minimum how much rays of light to form an image? Two. Minimum two rays of light. Two rays of light to form an image. Okay, and that is the image formation by convex mirror. Convex mirror. Okay, तो convex mirror के लिए जब हम image form करेंगे तो convex mirror कैसी image produce करता है और किसका मिरर का यूज क्या होता है तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा बेटा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहाँ कहाँ पर रखने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन, देन इमेज पोजीशन, देन नेचर ऑफ इमेज, nature of image, then size of the image. There are four important terms related to the formation of image of any mirror for any case. Okay, and these are the four necessary conditions which is necessary for every case. First one, for the convex mirror, first we can see that say that the object can be placed at infinity. Yes or no, beta? Convex mirror is like that. Yes or no, beta? Yes. This is the convex mirror, and we can see this is the principal axis, and this is focus, and this is center of curvature. And we can place the object at the left side of the mirror, and this is the pole of the mirror. So basically, we have only two positions of the object where we can place the object in front of a convex mirror. First one is infinity. Yes. And second one is infinity and pole. Yes or no, beta? So we have two cases only. First one is object position as infinity. Then when we have the object is at infinity, then the rays of light coming parallel to principal axis. Yes or no, beta? Yes. And after the reflection, these rays will reflect like this way. Yes or no? Yes or no? अब देखिए यहां पर इन दोनों की जो डायरेक्शन है बेटा वो दोनों क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पर है। यस और नो? तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 डिग्री, सॉरी, तो इसका मतलब है ये रेज ऑफ लाइट ऐसे डाइवर्ज हो रही है बेटा, डाइवर्ज हो रही है तो कभी भी कन्वर्ज नहीं होगी। That's why we increase the rays of light in backward direction. तो backward direction में जब हम rays of light को क्या करेंगे बेटा, increase करेंगे तो हमें कैसा लगेगा देखिए, they are appearing to diverge from a point which is called focus. Yes or no बेटा? And these are the rays which are reflected from the point focus. So this will be the image position. Yes or no, beta? This will be image position. So image position will be at focus, or we can say F. Yes or no, beta? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now you can see, you can see that the nature of the image
you can see the image is formed inside the mirror and the rays of light are actually diverging. So the image is virtual and erect. Yes or no, beta? Virtual kyun hai beta? Because rays are actually not converging. The rays of light appears to diverging. That's why the image is formed virtual. And you can see that the size of the object, the size of the image is highly diminished. Point sized. Yes or no, highly diminished, or we can say point size, both are correct. Yes or no, beta? Both are correct. And in second case, what we have, if I talk about the position should be between pole and focus. Yes or no, beta? Sorry, between infinity and pole. One second. Between infinity and pole. Yes or no? Yes, beta. So, how the image will be formed? So here we can see, suppose this is a convex mirror, and this is the principal focal principal line, and this is the focus, and this is center of curvature. And if object is placed here, suppose an object AB is placed here, and we have to form the image of AB. So first I will take the ray of light which is parallel to principal axis, because we know the ray which is parallel to principal axis will pass through the focus after the reflection, or going to pass through the focus after the reflection. So if a ray of light which is parallel to principal axis like this, then it will pass, it will reflect it like this, and it appears to pass through the focus. Yes or no, beta? Yes, it appears to pass through the focus. And second ray kahan se lene chale bataiye? Sir, B se. Pol se le sakta na beta, pol se. Pehle A ki image draw karne na beta, A ki image. First we have to draw the image of A. So yahan par A ki image draw karne ke liye point kahan se lenge beta? Pol par le le beta, aise dekho. Yes or no? So here it is the angle of incidence. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो देखिए यहाँ पे जब angle of incidence हमारे पास I होगा तो angle of reflection भी same ही होना चाहिए बेटा. तो ray जो होगी वो actual में ऐसे diverge होगी. I think angle थोड़ा बड़ा हो गया. अब ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन? यस और नो? यस सर. यस. देन अब देखिए ये फर्स्ट रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है. ये दोनों रेज कभी कन्वर्ज नहीं होगी. सो वी एक्सटेंड द रेज ऑफ लाइट इन बैकवर्ड. तो यहाँ पर जब इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करूंगा बेटा तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी इसको इस पॉइंट पर. And that will be the image of A, which is A dash, and we draw the perpendicular on the principal axis. Then I will get the image of B, which is B dash. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes or no? So you can see the image position of image will be between pole and focus. Pole and focus. Between pole and focus. And the nature of image is, because image is formed behind the mirror and the rays of light appears to diverge, so the image will be virtual and erect. Yes or no, beta? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now you can see that the size of the image is
इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो? नो, इट इज डिमिनिश्ड. इट इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. स्मॉलर और वी कैन से डिमिनिश्ड. यस और नो बेटा? नाउ यू कैन सी फ्रॉम द बोथ द केसेस दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यस और नो? यस.